नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। शुरुआत हम कर रहे हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। लाल किले जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लाल किले में हालात का जायजा लेंगे शाह। घायल पुलिसकर्मियों का भी हाल जानेंगे। 26 जनवरी को हुई हिंसा में घायल हुए थे 394 जवान, कई पुलिसकर्मी अब भी आईसीयू में भर्ती हैं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद अमित शाह आज लाल किले पर जाएंगे धुंध के चलते। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अमित शाह आज जायजा लेने के लिए जाएंगे लाल किले पर। लाल किले में हुई हिंसा के बाद अमित शाह जायजा लेने जाएंगे, 12 बजे लाल किले पहुंचेंगे। घायल पुलिसकर्मियों का भी हाल जानेंगे क्योंकि 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसमें से कुछ अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। लाल किले में हुई हिंसा का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और समय दिया गया है वहां पर लाल किले पर पहुंचेंगे अमित शाह। लाल किले जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल भी जानेंगे। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद अमित शाह लाल किले पर जाएंगे। दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस पर भी, पुलिस इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस बीच जब अमित शाह वहां पर जाएंगे लाल किले पर तो इसके क्या मायने? जी बिल्कुल, मंत्री अमित शाह जो है आज किस तरीके से 26 तारीख को जो हिंसक घटना है उसको लेकर के जो है मौके पर जाएंगे, जहां पर सबसे पहले तो वो अस्पताल जाएंगे जहां पर जो घायल पुलिसकर्मी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनसे उनका हालचाल जानेंगे, उनसे कहना की बात करेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां रही। उन घायल पुलिसकर्मियों का हलचल जानने के साथ साथ वो आज लाल किले का दौरा करेंगे। लाल किले पे जहां पर किसानों के द्वारा, किसानों के बीच में जो उपद्रवी थे उनके साथी जो थे, उपद्रवी जो किसान थे उनका द्वारा जो लाल किले पर राष्ट्रीय धरोहर को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया वहां पर तोड़फोड़ की गई है। उन तमाम तोड़ जो लाल किले का जायजा लेंगे कि किस तरीके से वहां पर नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा देश की राष्ट्रीय धरोहर जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर बात कर राष्ट्रीय ध्वज जहां फहराया जा रहा था उसके ठीक साथ में अपने झंडे फहराए हैं इन उपद्रवियों ने, राष्ट्रीय ध्वज का कहीं ना कहीं अपमान करा है उपद्रवियों ने, तो उसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जाकर के जायजा लेंगे उस राष्ट्रीय धरोहर का, वहां किए गए नुकसान का जो है वो कहीं ना कहीं उसका जायजा लेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां हैं, और इसके साथ साथ घायल पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि 12 बजे का समय है जब वो लाल किले के लिए जाएंगे, लाल किले पर जो है वहां पर जो नुकसान किया गया उपद्रवियों के द्वारा उसका जायजा लेंगे, आखिरकार राष्ट्रीय ध्वज के पास किस तरीके से ये किसान उन्होंने अपना निशान साहिब का झंडा फहराया, किस तरीके तोड़ पर क्या क्या नुकसान हुआ, तमाम स्थितियों का जायजा लेंगे। और तस्वीरें तो हालांकि पूरी देश ने नहीं बल्कि कहेंगे दुनिया ने ये तस्वीरें देखी कि उपद्रवियों के द्वारा नुकसान किया गया, जो पुलिसकर्मी का मारपीट की गई है इनकी तस्वीरें, लेकिन अब प्रधानमंत्री जाकर के उन पुलिसकर्मियों से मुलाकात करेंगे साल में, उसके बाद उस जगह का मुआयना करेंगे जहाँ ये पूरा उपद्रव बड़ी संख्या में हुआ। जी ठीक है दीपक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए।